पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन का एकाग्र जोड़ दीजिए ऐसे साधना में आने वाले अत्यंत उपयोगी एवं कल्याणकारी प्रसंग। साधना के दिनों में ये नकारात्मक वृत्तियां यथा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार बहुत बाधा डालती है। पूर्ण रूपेण इस पर कैसे निग्रह किया जाए काबू पाया जाए अपने अधीन कर लिया जाए। और महाराज जी के अनमोल उपदेश के आधार पर हम विचार करें। मैं पहले भी मेरे सज्जनों मेरी देवियों कई बार कह चुका हूं आप अनुभव भी कर रहे हैं हमारे इष्ट देव ने ये संसार बड़ा विचित्र एवं विलक्षण बनाया है। विचित्र वो चीज या पदार्थ या प्राणी माना जाता है जो बात बात में बदल जाए बात बात में कुछ का कुछ हो जाए। ये सारा संसार यही तो कर रहा है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर इस संसार में ये जो वृत्तियां बनाई गई नकारात्मक वृत्तियां इसी का कारण से संसार इतना बड़ा हुआ चढ़ा हुआ इतना भागदौड़ इन्हीं वृत्तियों के कारण से। कितना बाजार गर्म है आना जाना लेना देना काम के कारण से कितनी मिलिट्री कितनी पुलिस कितनी जंग लड़ाइयां झगड़े फसाद कचहरियां इसी काम वृत्ति के क्रोध वृत्ति के कारण से जिंदा देख लीजिए। और जब ये दोनों बढ़ जाती है नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती है। अस्पताल इसी कारण से कायम है डॉक्टर इसी के आधार पर अपनी रोटियां कमा रहे हैं काम और क्रोध के आधार पर। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जीव हैरान परेशान हो जाता है हमारा अंदर का सारा सिस्टम एबनॉर्मल हो जाता है। काम की वृत्ति के कारण से ना हम औरत के काम के रहते हैं ना आदमी के काम के रहते हैं हम दोनों एक दूसरे को निचोड़ डालते हैं जैसे नींबू दानी नींबू को निचोड़ के तबाह कर देती है। फिर क्या होगा नाना प्रकार के रोग लोभ के कारण से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बड़े बड़े काम कैपिटलिस्ट पूंजीपति बड़ी बड़ी दुकानें बड़े बड़े कारोबार लेना देना विदेश में जाना रोज अप डाउन करना रोज दिल्ली जाते हैं रोज सहारनपुर जाते हैं रोज चंडीगढ़ जाते हैं रोज कहां से कहां चक्कर काटती हैं इसी लोभ के कारण से। कितना बाजार और संसार गर्म है मेरी देवियों
इस एक गंदी व्यक्ति ने क्या से क्या कर रखा, इसी लोभ के कारण से आप चार दीवारी से बाहर निकल आई हो। कितने आप आराम से, हमारी दादी कितनी आराम से रह गई, मानी कितनी आराम से रह गई, लेकिन अब ये पीढ़ी ऐसी आई है, कितनी बेचैनी से आप रह रही हो। इस बेचैनी को आप आराम समझती हो क्या? आना जाना, गांव में घूमना, और कहां का नहीं नौकरी आप कर ली, जो कसर थी वो ब्यूटी पार्लर में आप पूरी कर रही हो। कितना आपके लिए क्या कुछ हो रहा है, अंदर बैठ के चार परोठे खा लेते, बच्चों को देख लेते, घर की आप होम मिनिस्टर बनी रहती, देख ले आपकी जाति ने सीता जी की तरह लक्ष्मण लकीर को छोड़ दिया। और किन के हाथों में हो देख लो आजकल वातावरण क्या है, एक अनार और 100 बीमार, दफ्तर में 2-3 मेरी बेटियां बैठी हैं, और आंखों कितने की गए लोभ के कारण से। आगे बढ़िए, मोह, कितना बड़ा परिवार इसी गंदी वृत्ति ने बना रखा है, कितना जबरदस्त मोह है। मोह ना होता तो बच्चे तो नहीं पलते, इतना कष्ट पेट में बच्चा लेना, 9 महीने रखना, कितनी दर्दों से उत्पन्न करना, बिना मोह के तो नहीं हो सकता, जरा भर भी नहीं। जरा सा कोई कुदृष्टि से आपको देखता है तो कितनी लड़ाई झगड़े जा जाती हैं, और कितने कष्ट मुंह में सह जाते हैं। और तो और, जैसे हम लोग फूल कागज पे बना के फिर काटा करते थे, इस तरह आपके पेट आज बच्चों के कारण से सर्जरियन ऑपरेशन से काटे जाते हैं। ये सब कोई स्वीकार है, कितना परिवार बढ़ता जा रहा है इसी मुंह के कारण से। देखिए जरा इसके कितने अड्डे हैं। आगे अहंकार, आप जानते ही। तो ये सारा संसार से मैंने ये दिखाना था, इन्हीं वृत्तियों के कारण से आबाद है। काम से कितने अड्डे हैं, काम के क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, ये सारा बाजार संसार गर्मा गर्म है। आना जाना, घूमना घुमाना, मैं 99% सच्चाई से कह रहा हूं, घूमना घुमाना सिर्फ जनता की भूल भुलैया है, 99%। ये सारा बंद हो जाए अगर मेरे इष्ट देव जीवों को ज्ञान दे, पर वो चाहते नहीं होंगे। ज्ञान आ जाने के बाद ये सारी गैर जरूरी इच्छाएं हैं, जो हम हल्के कुत्ते की तरह मारे मारे फिर रहे हैं, इधर से उधर, यहां से वहां, ये लेना, वो लेना, वो करना है, दिल्ली जाना, कलकत्ते जाना है, मद्रास जाना है, मैंने पटियाला जाना है, मैंने बटाला जाना है, मैंने अमृतसर जाना था, मैं लुधियाना जाना था, मैंने जलंधर भी चक्कर काट, उसका मर गया, उसका जन्म लो गया, उसका ये हो गया, उसका ये मर गया, वही कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका मैंने अस्पताल में पूछने जाना है, सब गैर जरूरी कर्म। और जो निहायत जरूरी कर्म है, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, बिल्कुल छूटता जा रहा, जिससे हमें सुख मिलना है, आराम मिलना। अभी मेरी देवियां कुछ पूछ रही थी, पर मैं किस जबान से कहूं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। अब ये बात कितनी सच्चाई की है, पर जाने का कौन, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। आगे देखो, हमारे चाचों का महाचाचा, हमारे पीरों का महापीर, हमारे गुरुओं का भी गुरु कबीर क्या कह रहा है, ये सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कितनी गजब की दलील है, जो सुख में सिमरन कर जाएगा तो वो दुखों के संस्कार कटते जाएंगे, मन पवित्र होता जाएगा, तो ये आधी व्याधि उपाधि कम होते जाएंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, क्या गजब की दलील है, दुख में ये एक थप्पड़ भी है, ज्ञान का थप्पड़, विचारों का थप्पड़। जैसे हमारे यहां कहावत है, बात की बात, क्या बोलूं आगे, लात की लात, ये बात की बात है, लात की, मां पूछू की यही तो लगती है,
यही तो मुक्की है। हाँ यही तो थप्पड़ है महापुरुषों के। अब ये कितना करारा थप्पड़ है। दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। और दलील देखिए क्या कमाल की, बड़ा लाभ उठा रहा हूँ, बहुत लाभ उठा रहा हूँ। ये सुख में सिमरन करे दुख का एक हो। जरा पले बांधना, आप तो पले बांधो मेरी बेटी। अगर सुख में सिमरन किया जाए, भगवान का भजन किया जाए, सुन के रख न लेना मेरी देवी, आपको अपने कल्याण की कसम कह के दिला के कह रहा हूं। इन्हीं दिनों जब के आपका बुद्धि भी ठीक है, मन भी ठीक है, तन भी ठीक है, धन भी ठीक है, परिवार में भी हलचल कोई नहीं, शरीर भी कोई लाचार नहीं हुआ, खूब अपने मालिक को याद कर, खूब यही महापुरुष अपना अनुभव बता गए। गीता में जगह जगह भगवान कह रही गए, ये कितना चोटी का फरमान है। यज्ञो में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मोक मैं उनमें हिमाला हूं। कितना चोटी का फरमान हमारे सरताज और मन के राजा त्रिलोकीनाथ भगवान जी का। कितना गजब का फरमान कि अपनी वृत्ति मेरे में लगाए रख। मैंने बड़ा सोचा, क्योंकि भगवान ने अनेक बार मेरे सज्जनों इसी बात को कहा है, मेरे में लगाए रख। मैंने जितनी मेरी बुद्धि मेरे मालिक ने दी है उस पर विचार किया, थोड़ा सा प्रकाश डालू और चिंतन किसका करे। मैंने अपने मन से खरी खरी बातें की, बिल्कुल एकांत में बैठकर आधी रात तक जागता खरी खरी बातें, मन और बता चिंतन किसका करना है। क्यों मन अंदर से बोलता, क्यों जिसका चिंतन करेगा तुझे चाहिए शांति वो दे देगा, वो तृप्ति देगा, शांति देगा, क्यों नहीं देगा। वो तो चीज जा रही है और जब तक जिंदा उसमें परिवर्तन आएंगे, बुद्धि में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, तन में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन है, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन, या तो उसमें जिसको हम चाहते हैं उसमें परिवर्तन ना आए, परिवर्तन तो जरूर आएंगे, हमसे गवारा नहीं होगा। जो थोड़ी बहुत शांति होगी गिले शिकवों और शिकायत में गुजर जाए, किसमें परिवर्तन नहीं आता। अगर माँ आप एक ही बच्चे को जन्म देते बहुत अच्छा होता, लेकिन एक बच्चे के बाद कितना परिवर्तन आ गया, आपकी वृत्ति उधर ना लगे तो बच्चा पलता नहीं, पहली बच्चे को कितनी घाट पड़ती है। इसको जोड़ देना, मुझे गोद में ले ले अम्मा, अम्मा मुझे गोद में ले, बच्चा उस नए बच्चे के नीचे लटक रहा है, पैर खींचता है, अम्मा इसे जोड़ दे, ये तू कहां से ले आई है। तरस नहीं आता आपको कि छोटे से बच्चे का हक दूसरे बच्चे ने ले लिया, अधिकार। कितनी आपको घाट पड़ती होगी जो उसका नूना नूना सोना सोना छोटा सा पैर छींकता है, इसको जोड़ दे मुझे गोदी में ले लेना अम्मा। हाय रब भी नहीं सुनता कि ये महात्मा अपने हाथ में ले ले, कितना बुरा हाल होता है उस समय। कितना परिवर्तन हो जाता है। मन को समझाइए, मेरे से भी ज्यादा मेरे भगवान आपको बुद्धि दे, आप समझाओ आपको मनु, और किसके याद कर नहीं। फिर देख दुनिया बनाने वाला कोई और कहते विश्वास न करे, दुनिया बनाने वाला कह रहा है किसी की ना कुछ बात, फकत एक वही साथ बाकी रहे। दुनिया बनाने वाले ने रह जाना है, ये जितनी भी चीजें हैं कुम्हार के घड़े की तरह, मटकों की तरह, सुराइयों की तरह, या बच्चों के मिट्टी के खिलौने की तरह, रहने वाले तो है नहीं। माया ने कितना भुला रखा है मेरे सज्जनों। आप तो रोज आते हो, रोज आप आ रही हो बड़े उत्साह पूर्वक में देवी हो, तो इस बात की गहराई मत जाना और चिंतन किसका करे। मैं तो मन को ये समझाया बैठा हूं, समझ गया मन, चिंतन उसका करना चाहिए जिसके चिंतन करने से तृप्ति हो जाए, जिसके चिंतन करने से किसी और का चिंतन न करना पड़े। हाँ एक अच्छे उससे इतनी तृप्ति मिले कि मन और का चिंतन न करे। हाँ शाबाश, पर हमें फिर अनेकों का चिंतन करना पड़ता, चूंकि तृप्ति नहीं होती, पूरी खुशी नहीं मिलती, व्यवहार एक दूसरे का खराब हो जाता है। परमात्मा एक नियम अटल काम करना, जो मैंने कितनी बार आपको बताया, अपने को समझाओ औरों को भी समझाओ, अगर किसी का भला चाहते हो। दुनिया में ये लॉ कितना जोरदार चल रहा है चारों ओर, क्या लॉ ऑफ रिड्यूसिंग यूटिलिटी,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या उपयोगिता ह्रास नियम, किसी भी प्राणी पदार्थ का प्रयोग करो उसकी वैल्यू घटती जाएगी, उसका रस कम होता जाएगा। पहनो आप 4,000 का सूट, बार बार पहनो दिल ही नहीं करेगा पहनने का। आप 4,000,000 से शादी करते हो, आपके बाप ने 3,50,000 लगा दिया, लगाया बाबा, और इधर के लड़के ने अपनी इज्जत बनाने के लिए 4,00,000 रुपया लगा दिया, लगाया। तब आप पति पत्नी के रूप में मिले, शुरू में 15 दिन, महीना, 2 महीने बड़ा रस आया, आपने किसी को सेहत को तबाह करने में पूरा पूरा हिस्सा बताया, पूरा मुड़ी कुतरा किया। 2 महीने के बाद कोई ना कोई रोग लग जाएगा, कई जलन, कई ब्लड प्रेशर हाई, कई बार बार हिचकियां आना, अंगड़ाइयां आना, खाया पिया हजम न होना, पेट का सवेरे शौच में साफ ना होना, कई शिकायतें शुरू हो जाएगी। आपका मन उबेगा, आप दफ्तर जाओ ना, इतनी छुट्टियां लेकर क्या करनी है। पहले खुद ही तो कहती थी, क्या नवीन की शादी हुई है, क्या आप चले जाते हैं, मैं किसके हवाले, और अब खुद कहती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। देख लीजिए मेरे बच्चे, दुनिया में कितना जोरदार ये नियम काम कर रहा है। एक बच्चा ले लिया, बड़ी मुश्किल से हुआ 2 साल बाद, अब उसमें चूमना चाटना सारा दिन तू ले रखती है, मेरे हवाले करना, थोड़ी देर भी नहीं देती, अच्छा ले लो, अच्छा 5 मिनट ले लो, फिर मेरे हवाले कर देना, इतना लाड, इतना प्यार, इतनी अटैचमेंट। फिर पति नहीं देता, दे दो ना, फिर मुझे तरसाया ना ना करो, पहले सारा मन पति में था, अब काके में हो गया, चलो बड़ा अच्छा होता, लेकिन लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी 2-3 साल के बाद उबने लग जाएगा मन, क्या फिर आप दूध भी नहीं अपना पिलाया, थप्पड़ मारोगे, बस नहीं ना लेके, इतना बड़ा हो गया, वही बच्चा जो जान, हाँ रस्ते में आ जाता है तो दुखदाई, जरा आप खुद ही देखो कितना बुरा हाल है। फिर ये बात होती जो दूसरा बच्चा जो बना लिया, आप देखते हो क्या पहले बच्चे की वैल्यू घट गई, पहले बच्चे के तो जुल्म कर दिया आपने, 50-50 कर दिया, जायदाद बटेगी, फंड बके बचेगा, माँ उसके हवाले, बाप उसके हवाले, माँ बाप भी बढ़ जाएंगे, जायदाद भी बढ़ जाएगी, दुकानें बढ़ जाएंगी, कितना जुल्म किया, और कलयुग में स्वार्थ के जमाने में एक बच्चे दूसरे बच्चे को जन्म देता, सारी वैल्यू घटा डाली। तो दुनिया में तो ये नियम चल रहा है, समझाओ मन को, कोई भी ऐसी चीज नहीं दुनिया में, या कोई खड़ा होकर मुझे बताए, हमेशा प्यारी लगे है बाबा, दुनिया में कोई भी पिताजी हो माता, कितना प्यारा रिश्ता है, बहन का, भाई का, कितना पति का, पत्नी का, पुत्र का, धी का, कितना प्यारा रिश्ता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये खट्टा हो जाता, ये क्या बना हुआ संसार के अंदर, क्या हम इतने बुद्धू हैं इस नियम की कदर ना करें, कितना अटल नियम है, कोई माने ना माने नियम तो चल रहा हो। फिर मैं कह रहा हूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम, हर एक प्राणी पदार्थ की उपयोगिता ह्रास मैंने कम होती है, ह्रास का विपरीत अर्थ है विकास, विकास का है ये विपरीत अर्थ ह्रास, विकास में दिन ब दिन उन्नति करना, बढ़ते जाना बढ़ते जाना, ह्रास का दिन ब दिन घटते जाना घटते जाना, विकास का मतलब चंद्रमा जैसे पूर्णिमा की ओर जा रहा हो, और ह्रास का मतलब चंद्रमा जैसे अमावस्या की ओर आ रहा, हर रोज उसकी जो है कलाएं घटती जाती है, और जब पूर्णिमा की ओर जा रहा है तो हर रोज उसकी कलाएं बढ़ती जाती है, ह्रास और विकास यूं जाना करें, चंद्रमा का विकास हो रहा है, हाँ अब चंद्रमा का ह्रास हो रहा, तो ये तो अटल नियम है, कोई भी चीज नहीं अच्छी लगेगी, वरना हम दूसरा सोटी न चलाते हैं, दूसरा बच्चा ही न पैदा करते, हाँ पति पत्नी कभी लड़ाई ना होती, इतना प्यार था, कहाँ गया प्यार, बाबा रोनी आती है बताने में, हमारा प्यार तो अब तकरार में बदल गया है, हाय हमारा प्यार तकरार में बदल गया, व्यक्ति ही इसी को संसार कहती है, आहा यही संसार है, इसको मन में बिठा लो ना, मैं ये बात बड़ी गहरी ले गया हूं अपने मन में कि ये संसार है,
कभी कुछ कभी कुछ कभी कोई चीज नहीं रहती, किसी को आप किसको अपना बनाए। आज उसे प्यार दे प्यार ले, हाँ उसे रसाना बंद हो जाएगा दो दिन चार दिन पांच दिन। ये किसी ने क्या समाधि में बैठ के बाद में बोला गए चार दिन शौक दे, कितनी अच्छी कहावत, कितनी कहावत क्या सिद्धांत है, बड़ी चोटी की शिक्षा है, इनकलाबी शिक्षा जो मेरे और आपके लिए एक इनकलाब ला देती है। क्या चार दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे, हाय कितनी गजब की कहावत है, चार दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे, फिर व्यवहार ही कुछ नहीं, सारा रस चूसा जाता है। समझाइए मन को, अब बताइए सिवाय भगवान के चिंतन किस तरह। अगर आप इस तरह एक एक झांकी संसार की दिखाओ मन खट्टा हो जाता है, इसे वैराग कहती है। संसार का सही रूप दिखाना वैराग है, लियाकत है, बुद्धिमत्ता है। संसार कुछ और उसको कुछ का कोई समझना मूर्खता है, लानत है, एरर है, मिस्टेक है, नहीं ब्लंडर है, ब्लंडर भयानक भूल, ऐसी भूल जो आपको खून के आंसू बहाएगी, गिरवाएगी आपके। एरर छोटी गलती होती है, मिस्टेक जरा उससे बड़ी, और ब्लंडर अंग्रेजी शब्द है भयानक भूल। अच्छा देख ले मेरी बच्ची, संसार में यही तो हो रहा है, समझा लो। हम मन के मन तो किसका चिंतन, और किसका चिंतन करो, ये अवस्था बना लो ना, और किसका चिंतन करो, और कोई चिंतन करने योग्य नहीं। ऐसा निर्णय लेके मन मन को समझा लो ना। वैसे मेरे मन ने निर्णय ले लिया, हमने समझा दिया मन को, मनो एक निर्णय ले ले और किसके चिंतन करें, सेवा करेंगे। जब जब कोई ऐसा समय आया आप परिवार में माँ की पिताजी की बहन की भाई की, क्योंकि आप बीच में और लेने देने का संबंध चुकना ही नहीं जब तक आप सेवा नहीं करें, करो। लेकिन अब मन तो नहीं फंसा सकते, अब माइंड को सेटिंग नहीं हो सकती, नहीं अटैचमेंट या मोह या आसक्ति नहीं हो सकती, सेवा करेंगे। वो तो भगवान के फरमान को हम चार चांद लगा रहे और भी लगाएंगे, एक दूसरे को करो साधु मन, एक दूसरे की सेवा करके जिंदा रहो। पर हम मन लगाए ये नहीं सकता, हम तो इस भगवान के शब्दों को चरतार्थ करके मालिक को खुश मैं कर रहा हूं आप भी करो, कौन सा तन काम में मन रहे ध्यान, यही एक तरीका है लोक परलोक बनाने का। और तो मुझे कोई भी नहीं, मैंने कोई शायद भगवान आपका भला करे कोई 8 बजे चिंतन शुरू किया और रात का लगभग 1 बज गया इस पर विचार करता रहा, मन को बिठाता रहा, क्या संसार में सारा नियम क्या कर रहा है जो भगवान ने बनाई है। प्राणी पदार्थ जन्म लेती हैं, कुछ समय बढ़ती रहती हैं, फिर अपने आप घट जाती हैं, मर जाती हैं। बताओ मन इन पदार्थों का चिंतन करना है, इन प्राणियों का, बोल बोल, मेरी दशा तो पागलों वाली हो गई थी कि बोल मन इन्हीं का चिंतन करेगा। शेव जो सारे प्राणी पदार्थ सेमी सर्कल में जा रहे हैं, बर्थ पैदाइश हुई, ये ग्रोथ बढ़ते गए, हा डिके अपने आप डाउन होने लग गए, डेथ मौत। जो भी रब ने बनाए गए प्राणी है या पदार्थ है, चेतन है या जड़ है, स्थावर है या जंगम है, चार है या आचार है, जो भी मालिक ने बनाए हैं क्या है, वो जन्म लेती है फिर बढ़ने लग जाती है घटने लग जाती है, मर गया। सूर्य का जन्म हुआ था, बढ़ता गया, 1:30 बजे घटने लग गया, लो अब अस्त हो गया। रब्बा रब्बा फटी भुंडा, सब प्राणी पदार्थ इसी तरह है, ये अटल नियम है मेरी देवी। जन्मना बाबा, फिर बढ़ना हाँ, फिर घटना हाँ, फिर मर जाना। बनाओ ना अपने आगे एक कागज रखो मोटा और प्रकार से सेमी सर्कल लगाइए, अर्धवृत्त लगाइए, और उसके शुरू में लिखिए जन्मना, फिर आगे करके लिखिए बढ़ना, फिर सेंटर में लिखिए घटना, और इस सिरे पे लिखिए मरना, और इस कागज को सामने रखो, ये संसार है, इसका चिंतन करेगा नहीं, बिल्कुल ये चिंतन करने योग्य है ही नहीं। जो जन्म लेके बढ़ता और बढ़ के घट जाता और घट के 5 तत्वों में समा जाता है, तो ये नहीं चिंतन करने योग्य। भाव 4, 5, 10 गर्मा गर्म आंसू, क्या यही चिंतन करनी, नहीं कदापि नहीं, क्योंकि इसने तो चला जाना है, जिसने हमारी छाती में एक दिन लात मारनी है
आज मैं ही अपना मन उससे क्यों ना खींच लूं। अब क्या होगा, सदा मेरा पेगम, आप केवल भगवान को चिंता करो, केवल आप मेरे तजर्बे पर का लाभ उठा लो और खुद भी तजर्बा ले लो। जब आपकी ये अवस्था बनेगी, आपके सिरों की कसम, आप इस मंदिर की कसम, गीता मेरे सामने पड़ी है, सिर आंखों पे रख के कह रहा हूं, क्या सब गंदी मिट्टियां निकलने लग गई। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, यह संसार का अनुभव है। जब मेरे और आपके अंदर भगवान का चिंतन इस तरीके से चलेगा, मैंने कई बार कहा गीता युक्ति से मुक्ति दिलाती है। गीता के कृष्ण ये नहीं कहते मैं संपूर्ण अवतार हूं, जो कह रहा हूं मान जाओ, नहीं कहते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सकती है, ईसा मसीह कह सकती है, लेकिन भगवान जी नहीं कहते। भगवान ज्ञान देती है, दलीलें देती है, विचार देती है, युक्तियां देती है, उसके बाद कहते बता। अब क्या बताऊं, पता चल गया दिल है मजबूत। अब मेरा और आपका प्रत्युत्तर यही होता है। मेरा मन बड़ा कमजोर था, पर आपके ज्ञान से, ज्ञान का मतलब मैं कितनी बार कह चुका हूं, मेरा मन बड़ा कमजोर था, पर आपके ज्ञान से अर्थात उच्च विचार से मेरा मन भी उच्च हो गया। जिसका मन उच्च विचारों में हो जाए, मेरा भारत उसे क्या बोलता है, मेरा भारत उसे क्या डिग्री देता है। महात्मा, उसको हम कहते हैं महात्मा। जने कने को मैं तो कहूंगा किसी को महात्मा ना कहा करो। आपको क्या पता, जिसका आंतरिक मन उच्च विचारों में हो जाए, महा मैंने ऊंचा, आत्मा मैंने अंतःकरण, ना कि वो आत्मा जो शरीर को चला रही है, नहीं, उसका अंतःकरण ऊंचा यानी ऊंचे विचारों में हो गया, उसको मेरा भारत ने डिग्री दी है महात्मा। न कि भगवे कपड़े पहनने वाला और चार पांच मालाएं बाहर एडवर्टाइजमेंट की तरह लगाने वाला। अरे नहीं, आजकल कलयुग है, आजकल उच्च विचार रखने वाला लाखों में कोई कोई होता। महात्मा का प्रयोग न करो, आपको पता ही कोई नहीं, इसलिए हम उसे महात्मा कहते। क्या अब ये नीचे विचार से ऊंचे विचारों से ले, उसके पास ज्ञान आ गया। जब ये विचार आ जाएंगे, ये तो रह नहीं सकते। आप कहते ये बड़ा तंग कर रहे हैं, काका आप बताइए ना मन को, माता दो पूरी भगवान को, चिंतन करने योगी वही है। आपके साथ तो एक पत्नी के नाते से, माँ के नाते से, बहन के नाते से व्यवहार करना है, व्यवहार सिर्फ करना है, न के डिपेंड करना। आप में भी ऐसा करना है, व्यवहार करना है, पति के नाते से, बाप के नाते से, भैया के नाते से व्यवहार करना है, न के उस पर भरोसा लेना। भरोसा नहीं लेना, भरोसा भगवान का है। मैं कैसे आपके मनों में प्रभु जी के ये शब्द बिठा डालू, सहारा किसी का ना ले एक पल, अमल उसका है एन तक की अमल, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखी मदा। ये कैसे बिठाऊं आपके अंदर, कितनी भगवान ने उदार चित्त होकर के समुद्र दिली का प्रमाण देकर मेरी दीवी हमें छुट्टी दी, जो तू चाहता कर ले, लेकिन सहारा मेरा देगा, आएगा कुर्बान, ओए कुर्बान, सहारा अपने मालिक का लेकर। व्हाट एवर यू लाइक यू प्लीज डू, व्हाट एवर यू लाइक, इतनी छूट, जो तेरा दिल करता कर ले, लेकिन देखना सहारा भगवान का लेकर, सहारा अपने इष्ट देव का लेकर, फिर तो मौत बाहर कोई गंदी वृत्ति नहीं आएगी, कोई गंदी वृत्ति टच। ये कब होता है, ये गंदी वृत्तियां कब आती है, परमेश्वर दे भूलिया, जब हम अपने मालिक को, अपने इष्ट देव को भूल जाती है, तो जब मन असलियत को भूल गया, तो ये चीजें आएंगी। बनावटी दान कब लगती है, बनावटी दान कब लगती है, जब हमारे असल दांत गिर जाती है, तब बनावटी दांत लगती है। जब असल भगवान हमारे से भूल जाते हैं, तब ये बनावटी चिंतन होता है। हाय रब्बा मेरे, ये सब बनावटी चिंतन है, कब, जब हम असल को भूल जाते हैं। वाह, तब तो अनुभवियों ने कहा, नानक दुखिया सब संसार,
ये गंदा इतना गंदा वक्त आ गया, इतना बोल के चुप कर जाते हैं। समाज में देखिए कैसे गंदा समाज जा रहा है। इतना कह के नी नी बसंत कौरे हानि करतार कौर देखना पादशाही तक कह गई नानक दुखिया सब संसार। मेरी जैसी करतार कौर होगी ना मार दी थप्पड़ आपके मुंह पर, एक नहीं दो। ये आधीवारी क्या बोलती है, क्या वो हमारे जख्म पे नमक डाल गए हैं? हमें बताने के लिए, समझाने के लिए, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी बीमारी दूर करने के लिए, महापुरुष आए हैं तो हमें समझाने बताने, हमारे दुखों को कम करने के लिए। अगर पातशाही ने कहा नानक दुखिया सब संसार, सारे यही बोली जा रहे हैं। देखना करतार कौर, देखना देखना ये ऐसा ऐसा गुरप्रीत देखना। हाँ ये देख पातशाही वाली गुरुदेव तो कह गई है नानक दुखिया सब संसार। हाय कितने नालायक बनते हो। और नहीं ये तो बताया पर आगे उन्होंने इलाज भी, इलाज नहीं बसंतो बसंत कौर ये तो आगे इलाज भी बताया है। इलाज हाँ क्या सो सुखिया जत नाम अधा सो सुखिया, आगे तरीका ही तो बताया। क्या आराम से कौन रहेगा जो केवल अपने मालिक के चिंतन में रहेगा, और मालिक के चिंतन में तरीका बता रहा हूं कैसे। और कोई याद, मैं तो पढ़ा लिखा हूं आपको, आपको फिलोसफिकली, आपको बच्चे फिलोसफी और साइकोलॉजिकली बता रहा हूं, मनोवैज्ञानिक रूप से दार्शनिक रूप से समझा रहा हूं, जैसे हमने अपने आप को समझाया। हम धन्य जात की तरह अंधविश्वास तो काट नहीं सकते, हमारे मन में इस तरह नहीं हो सकता। जाप वो भी कर गए, जाप हम भी कर रही है, उन्होंने अंधाधुन किया, हम विचारों से कर रहे हैं। सोच समझ के विचार से ज्ञान से क्यों मालिक का नाम लिया जाए, इस प्रश्न ने मुझे बड़ा हैरान किया। क्यों फिर ये सारा एनालिसिस किया गया, क्यों भगवान कहते सदा मेरा प्रेम जी से ध्यान गए, क्यों क्यों मालिक का चिंतन करें, कोई और चिंतन रिजल्ट क्या निकला गीता जी से, मेरी देवियों मेरे सज्जनों और कुछ चिंतन करने योग्य नहीं। क्यों या तो रब दुनिया बना के ये ना करता क्या, जो पैदा हो मौत उसको, ये रब ने क्या किया, इतनी सुंदर दुनिया बनाई और कहा मैं आखिर में काला पुरुष फेर दूंगा, काला पुरुष इन शरीरों पर, हाँ और काले स्याही के कार्ड भी तुम्हारे घरों में भेज दूंगा। अरे आजकल काली स्याही छपे हुए कार्ड आ जाते हैं, ओ मर गया थे, ओ मर गया थे, ओ मर गया, हाँ। और कार्ड पे क्या लिखा होता है, लिखतम चाचा पढ़तम भाई, ये लिखा होता है लिखतम चाचा, चाचा लिख रहा है पढ़तम भाई, छोड़ गया दी चिट्ठी आई, चिट्ठी खोल स्यापा करना, असा भी मरना तो सभी मरना। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, तो अगर असा भी मरना तो सही मरना, पिछापा तो करिए। क्यों लिखतम चाचा पढ़तम भाई, छोड़ गए आंधी चिट्ठी आई, चिट्ठी वेख स्यापा करना, असा भी मरना थे तो सभी मरना। वाह वाह, जरा विचारों से काम ले लो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों जरा विचारों से, आह 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 गहराई में उतर जाओ मेरी बेटी। मैं एक विचारों से अपने मन को समझाई बैठा हूं, और विचार जो भगवान जी ने दिए हैं, विचारों में श्रोमणि विचार तो गीता जी के हैं। ये मैं बिल्कुल सच्चाई से, पक्षपात से काम नहीं ले रहा, सच्चाई से काम ले रहा हूं, व्यास गद्दी को चार चांद लगा रहा हूं। ये बिल्कुल सच्चाई है कि गीता से बढ़ के कोई ज्ञान था नहीं, है नहीं, आगे होगा। इतने चोटी के विचार है जितनी मैं खोज कर रहा हूँ, जितनी मालिक खोपड़ी मुझे दे रहे हैं और उसको लगा के इसकी गहराई में उतर रहा हूँ, बड़े चोटी के विचार, बड़े चोटी के विचार। बड़ी जल्दी जीव की मुक्ति हो जाती है गंदी वृत्तियों से, हमेशा भगवान का चिंतन, दूसरा चिंतन ही नहीं होना बेटे, दूसरा चिंतन ही नहीं होना। शाबाश शाबाश, दूसरा आना ही नहीं। अभी कई दिन हो गए, एक बच्चा कटिंग लाया करता है अखबार की, संडे को आता है वो, कटिंग लाया तो कई दिन हो गए। क्या अखबार में छपा था मेरी बेटी, बहुत अच्छे, एक कोई मेरी बेटी बहुत मन ठन के जा रही थी, और जैसे आजकल कपड़े पहनती है
गंदे मंदे कपड़े जिससे पूरा शरीर भी ढपा होता, तो पहले तो एक आगे कोई प्रौढ़ावस्था वाला इंसान ने देखा, रुक गया और उसको गाली दी, कैसी कमबख्त है तू, क्या बात, लड़की को बड़ी होशियार होगी, क्या बात, कैसी ड्रेस पहन के जाती है जो हमारे अंदर काम जगा देती है, काम जगा देती हूं, यही बात है, कह रही है ना, हां तो काम मैं जगाती हूं, तो आपका आप अंदर सुलाए के बैठे हैं, अगर मैं काम जगा देती तो आप काम को अंदर सुलाया हुआ है ना, अंदर ना सुलाओ, हाय नर शर्मिंदा होके वहीं खड़ा रह गया, नारी ताना मार के आगे चली गई। ये थी कटी, कितनी गजब की बात, अगर मैं जगा देती हूं तो अंदर कुछ चीज सोई हुई तो जगा देती हूं ना, वाई नॉट टू रिमूव, आप अभी काम की वृत्ति रखते क्यों हैं? या तो रब हमें नारियां बनाता ही ना, रब ने बनाई है तो कोई तरीका अख्तियार करो, ये बताती है गीता। कोई कहे आप मुझे क्रोध दिला रहे हैं, तो क्रोध दिला तब रहा हूं ना जब तू क्रोध ले रहा है, तो ये वृत्तियां ना आए, एक इलाज बताया मेरे मालिक ने, सदा मेरा पैगाम, तो फिर युक्तियां लो मेरे व्यासों से गीता की, कि हर समय भगवान का चिंतन हो, चिंतन तो परमात्मा इसका होगा जब तक मैं बताऊंगा आपको, भगवान जी भर के दीदार नहीं देते, जी भर के आपके पर्दे उतार नहीं देते, तब तक वृत्तियां तो थोड़ी बहुत ही रहेंगी। याद रखना भगवान का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता, दूसरे अध्याय का, उसे तरके लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की दौलत मिले, और उनका मूल शब्द है परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान की दीदार के बाद ये सब वृत्तियां गो वेंट गॉड, सब वृत्तियां गश्ती गश्ता गचंती, उससे पहले घटती जाएंगी घटती जाएंगी घटती जाएंगी, तो क्यों ना फिर हम इलाज ही इसका यही है, मन ने चिंतन करना है, चिंतन भगवान का करे, शाबाश, मन ने चिंतन करना है, सोचना है, यही सोचे, हम गंदा मंदा सोच बैठती हैं, उल्टा पुल्टा सोच बैठती है, अश्लील सोचती हैं, उसका हटा दे, मन तो हम लोग सतोगुण बढ़ा रहे हैं, दिन ब दिन हमारे सतोगुण बढ़ता जा रहा है, समझाएं अपने मन को, और क्या सोचने योग्य बात ही कोई नहीं, किसका और चिंतन करे, सब चीजें मौत के मुंह में जा रही, और जब तक नहीं जाएंगी तब तक बदलती जा रही है, और फिर अगर ले ले तो नीचे तृप्ति नहीं, तीन बातें, सब प्राणी पदार्थ मौत के मुंह में जा रहे हैं हाँ, और जब तक नहीं जाते तब तक बदल जाते हैं हाँ, और फिर अगर इनको ले ले तो इनसे तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होगी तो फिर आपको हमने ले लिया, फिर और दिल करेगा आपसे लड़का होना चाहिए, फिर हमने फिर हाल चलाया तो बीज डाला फिर लड़की हो गई, हाय मेरे रब्बा, फिर वृषरम बन के ही बीज डाला हाल चलाया फिर वो लड़की, ये रब के थप्पड़ है, दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे थप्पड़ पे थप्पड़, इसी तरह गृहस्थी में नरक बन गया। और नेक जीवो, ओ तर जाने वाली मेरी माता और मेरी अच्छी बेटियों, समझा लो अपने मन को, इसलिए तो व्यास जी ने यह कारा हिंदुस्तान में लगा रखा है, मन जीते जग धाय, छोटी सी छोटा सा सिद्धांत कितना कमाल का है, मन जीते, बोलो मेरे पुत्र बोलो, मन जीते, मन जीते, बोलोगे तो मन में बसेगा ना, हमने संसार को नालायक सिकंदर की तरह थोड़ा जीतना है, हमने तो अपने मन पर विजय पा लेनी, अपने मन पर विजय पाने संभाली संसार जीरो, शक नए नए सिनेमा खुलते रहे हमारी बला से, नए नए क्लबे खुलती रहे, नए नए बाजार बनते रहे, नए नए जो है नुमाशे लगती रहे हमारी बला से, आहा हमने संसार की असलियत को समझ लिया, एक बड़ा भारी नुक्स है, इससे तृप्ति नहीं होती, सुनो नेक जीवो और सुनो किसी रब दे प्यारी दी, और सुनो वक्त के विचारवान की, सुन लो मेरी बेटी, इससे तृप्ति नहीं होती, बिल्कुल हम लोग ज्यादा चावल क्यों नहीं खाते, जबकि यूपी वाले चावल बहुत खाते हैं, हमारे मन में ये समाई हुई है कि चावलों से तृप्ति नहीं होती, खा लो दो घंटे बाद भूख लगी है, तो अगर गेहूं के आटे के फुलके खाए जाए कम से कम छह घंटे सात घंटे तो भूख नहीं लगती ना, वरना दो घंटे बाद फिर घर में आए, मां हफ कर भूख लगी है, अच्छा लगेगा,
उस बिचारी ने और कोई काम नहीं करना, मेरे पेट के लिए ही स्यापा करना है, इसलिए हम लोग ज्यादा चावल नहीं खाते, हम लोग गेहूं के आटे की रोटियां खाते हैं और बात ही बड़ी अच्छी शानदार है। वो चावल खाने वाले को फिर साथ गंद मन खाना पड़ता है, चावल में वो कड़ी डालो, चावल में आलू डालो, चावल में गोभी डालो, ये और तत्व डालो, तो वो क्यों भी सीधे रूप में चार फुलके डालो सब्जी के साथ दही के साथ, आधार तो हो गया, चावलों का आधार ही कोई नहीं। वो इसी तरह रब्बा रब्बा, जैसे पेट में चावलों का आधार नहीं, इस तरह इन शरीरों का मन के लिए आधार ही नहीं। हम करें क्या? नो तृप्ति एट ऑल, जैसे रोटी खाकर कुछ 6 घंटे की तृप्ति हो जाती है ना, इससे रब का चिंतन करने से हमेशा के लिए तृप्ति, और इनका चिंतन करने से थोड़ी देर की तृप्ति। और वही दुनिया बनाने वाला कह रहा है, इन्हीं से प्रगट हो आखिर में दुख। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक कितना इनकलाबी। आप फरमा रही थी, आप मेरे भाई कह रहे थे, ये गंदी वृत्तियों से खलासी कैसी हो? इनका चिंतन हो जाए, भगवान का चिंतन, इन्हीं के बार बार चिंतन। मुझे एक दृष्टांत याद आया, मेरे स्वामी जी दृष्टांत दिया करते थे, एक किसी ऑफिसर को रोज दफ्तर जाना था और रास्ता एक ही था, उस रास्ते किसी नलायक ने वो था कसाई, वो दुकान खोल दी, तो मुर्दा वो बकरे लटका के रखता था, उसे बड़ी गिलानी आती, कई बार उल्टी भी आ जाती, तबीयत बड़ी खराब होती, और कोई रास्ता नहीं था जिस रास्ते वो दफ्तर जाए। बड़ा हैरान हुआ, उसके गुरुदेव आए, उनके तेरा चेहरा उतरा हुआ है, कोई सेहत में फर्क है? हाँ महाराज, ये बात है, मुझे बड़ी गलानी आती है, मुझे उल्टी भी आ जाती है कभी कभी, तो तरीका हम बता देती है। कैसे? आकाश मार्ग से जाऊंगा। आकाश मार्ग से नहीं, वहीं से जाएगा, गलानी नहीं आएगी। महाराज बड़ी बो आती उनकी, वो भी नहीं आएगी। जब मैं जाऊंगा बकरे गायब हो जाएंगे? नहीं, बकरे भी लटके रहेंगे, तो फिर मुझे गिलानी भी नहीं आएगी। नहीं, तरीका मैं बताता हूं। आहा, अनुभवियों को तो फिर अनुभव होती है ना, बड़ों की आगे बहुत बोलो, बड़ों की बड़ी बातें, बड़ों की बड़ी बात, बड़े उम्र से नहीं होते सरकार, बड़े अपने अनुभव से होती है, ज्ञान से होती है। इसलिए महापुरुष नारा लगा गए, बड़ों की बड़ी बातें, बड़ों की बड़ी बात। अब बड़ों की बड़ी बात हुई, काका घर में सेंट है? है। रोज जाती बार उसकी पत्नियों का इधर आओ, रूई का इतना फुआ बना लिया कर, अच्छा ऊपर सेंट थोड़ा डाल दिया कर, अच्छा आप अपनी ऊपर वाली जेब में रख लिया करो, अच्छा जी, और जब तुम नजदीक पहुंचो इसको निकाल के नाक के आगे रख लिया, अपनी सुगंधी लेके निकल जाओ। भाई लिपट गया चरणों में महाराज, बहुत अच्छे, ना उसको गालियां दे, उसने तो अपनी दुकान हटानी नहीं, कसाई ने तो उसे तो अपने वही करनी है, लेकिन आप गए, अब 6 महीने के बाद क्यों आपके गुनगाता हूं, रोज ये फुआ मुझे सेंट डाल के दे देती है, उससे पहले ही मैं नाक के साथ लगा के निकल जाता हूं, मैं अपनी खुशबू ले रहा हूं। वो इसी तरह महापुरुष कहती है, और कमलो दुनिया में तो जन्मेंगे, बढ़ेंगे, मरेंगे, बीमार होंगे, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, आप अपने भगवान के ज्ञान की खुशबू लेके रहो। हाय कितना बढ़िया विचार, ओए कमली, ओ मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी बेटी, हम अपने भगवान के ज्ञान से खुशबू ले ले। हाय हाय, और ये बात मुझे बड़ी 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 प्यारी लगी, इतनी संगीता तुझे नहीं प्यारी, इतना पंकज नहीं प्यारा, तो दीपक दूपक नहीं प्यारे संदीप, जितनी ये तुझे प्यार लगनी चाहिए। हाय लगा रहे बकरे लटके रहे, हाँ लटके रहे तो हमें क्या, हम अपनी सुगंधी लेके जाए, रुई के ऊपर डली हुई सेंट, बिल्कुल ले लो, अभी पकड़ लो इस बात को, तब भी तो इस दुनिया में हम लोक परलोक बना के जाएंगे। मेरे सज्जनों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम इन विचारों में रहे,
मौत बहुत, मन जीता गया, मन को असल बात का पता लग गया, प्रभु के सिमरन में रहेगा, बहुत जरूरी काम थोड़े रह जाएंगे। मेरे अपने तजर्बा के अनुसार 3 या 4 से जरूरी काम ज्यादा नहीं रह जाते, 3 या 4 है। कोई झूठ बोलने वाले का बेड़ा गर्क, मैं तो सच्चाई की बात कह रहा हूं। है आहा, हाय 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 हाय, आहा, अभी पिकअप कर लो मेरी बेटियां, अभी अपने मन में रख ले। फिर काम का बेड़ा घर, क्रोध मोह जितनी वृत्तियां सब गईं। जब प्रभु का चिंतन होगा तो बाबा फिर क्या होगा, इनके ऊपर हमला करने वाले पैदा हो जाएंगे। कौन से? विवेक, वैराग और भक्ति, ये 3 आ जाएंगे फौरन। ये हमने संसार का चिंतन किया तो संसार के पास है ही यही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार या राग और द्वेष। हमने इनका चिंतन किया, जो इसके पास है वही तो होगा। शाबाश शाबाश, मैं मेरा जन्म उधर ललितपुर का है, पाकिस्तान का, तो उधर एक ये जो जैसे आप ये बन गए ना सब्जी की दुकानें, मैंने तो दुकान उधर कोई नहीं देखी थी। क्या मुसलमानियां जिन्हें अरैने कहते थे, अगर कोई उस तरफ का होगा तो मेरी हां में हां मिलाएगा, अरैन बोलते थे, अरैने आई बैठी है। एक विशेष गली थी, उसमें लंबी लाइन लगा के बैठी होती थी। लेकिन एक बात आपको और हैरानगी भी डालू, हर अरैन के पास एक सब्जी होती थी, हर अरैन, अरैन उनका खास शब्द था जो मुझे अभी तक याद है, ये 1940 की बात सुना रहा हूं। तो अरैन, और हर अरैन ये टोकरी होती थी, 3 टोकरी, उसमें सब्जी लेके बैठती थी। आप चले जाओ, आपने जो सब्जी लेनी है देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। आप एक के पास गए, उसने करेले दिए, हाँ आपने कहा भिंडिया, मैंने कहा ना मेरे पास करेले है भिंडिया नहीं तेरे पास। फिर दोबारा तीसरी बार पूछ लिया, शर्मिंदा ना कर मुझे, वे भाई मेरे पास तो करेले गए। अब वह प्रकावती, जिस अरैन के पास हो करेले, वो भिंडिया कहां से दे, आलू कहां से दे, और वो अरबी कहां से दे, उसके पास तो भिंडिया है। भिंडिया लेनी तो अगली टोकरी पर वाली के पास जा। जिस संसार के पास है काम क्रोध मोह लोभ, अरैन के पास, वो हमें सुख कहां से दे, आराम कहां से दे, चैन कहां से दे, इसके पास है ही इस, ये तो अरैन है, इसके पास क्या है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। हम सोचते हैं सुख मिले आराम मिले, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, नथिंग बट अवर ब्लंडर। जिस अरैन के पास करेले है उसे हम मांगते हैं भिंडिया, उसे हम मांगते हैं टिंडे, नहीं दे सकते। पक्का कर लेना, जिस अरैन के पास जो चीज टोकरी में तो वो ही देगी। ये दुनिया तो एक अरैन है, और इसकी जो चीजें ये टोकरी है, क्या बेच रही है, काम ले लो, क्रोध ले लो, मोह ले लो, घर फिटे मुंह तेरा अपने पास रख, नहीं हमें चाहिए। वो तो यही बेच रही है, लोभ ले लो, अहंकार ले लो, अपने बड़ा गर्क कर लो, दिन रात की नींद हराम कर लो, किसने करनी हो तो आ जाओ, घर फिटे मुंह, ये तो यही आवाज मार रही है। और इधर भगवान जी, हाय विवेक ले लो, वैराग ले लो, भक्ति ले लो, लोक परलोक दोनों बना के चले जाओ। आहा, कितनी शक्ति दे दे, कितनी सच्चाई की बात है, कितना राज प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम केवल भगवान का चिंतन करें। हाय, मैं भी अपने अंतर्यामी अंतर्यामी प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आप पहले ये समझा लो, तो वो जो पुरानी समझ है निकल जाएगी, पर ये समझ बस मौत बाहर, बिल्कुल मौत बाहर, बिल्कुल शांति से जी उठोगे। आजकल हमारी गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट के बच्चे गांव के पढ़ जाएं, स्कूल के तो खैर सारे पढ़ रहे हैं, गांव में वहां बड़े पछड़े हुए हैं बेचारे, कोशिश कर रहे हैं भगवान को कामयाब करें, मेरी दुआ इनके साथ, तो बड़ी कोशिश करती है, बड़ी कोशिश, स्कूल खोल गए, प्राइमरी स्कूल थे उनको मिडिल कर दिया, मिडिल को हाई करते जा रहे हैं। भजन लाल बेचारा भज भज के थक गया, इधर भज उधर भज, इधर जा दौड़े जा रहा,
तो लेकर माँ बाप गालियां देते हैं भजन लाल को, क्या उनके टंटे बड़े हैं घर वालों के? अब जो बच्चे पढ़ती हैं वो टंटे नहीं करते, वो हाल नहीं चलाते, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो भैंसे कौन चला, इतने नौकर कौन रखे? फिर घर के और भी काम होते हैं, लड़की भी पढ़ने लग गई देखा देखी गांव में, अब लड़कियां तो फिर सारा माँ बिचारी उम्र बड़ी हुई 40-45 पे तो होश नहीं करते, पहले जा 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 के सेहत तबाह करते हैं और बाद में तू कर तो कहां करे। तब उसके सामने जब भजन लाल गया तो हुआ जलूस, हाँ तो जलूस आके तो फिर उसने माँ बाप आए कि भजन लाल हाँ साड़ी एक प्रॉब्लम सुन ला, ऐसे मतलब प्रॉब्लम उन्होंने पता नहीं कहां से रख लिया, पार्टी हो गए माँ बाप गांव वाले, साड़ी एक प्रॉब्लम आपकी समस्या तो मैंने हल कर दी, तूने तो हल कर दी और समस्या हो ही पड़ी है क्या? अरे सुनो, तीन चार लड़की आ गई स्टेज पर, भजन लाल जी भी एक साइड पर बैठी है, हाँ गीत चल पड़ा, उनकी प्रॉब्लम थी जो गीत द्वारा, हाय रप्पा मेरिया ये तुम्हें बड़ा खुश हुआ, भजन लाल जवाब दे। भजन लाल ने वक्त मांगा है कि मैं जवाब दूंगा, मुझे कोई समय तो दो फिर जवाब दूंगा। क्या कहीं माँ झिड़के कहीं बाप झिड़के, नी में पढ़ने स्कूल जाना तो लफ्सी अब कौन रिड़के, हाय रप्पा कहीं माँ झिड़के कहीं बाप झिड़के, नी में पढ़ने स्कूल जाना तो लफ्सी अब कौन रिड़के। भजन लाल जवाब दे, कौन आएगा तू नौकर रख देगा मैंने घर च? कहीं माँ झिड़के कहीं बाप झिड़के, नहीं मैं पढ़ने स्कूल ले जाना तो लगती अब कौन रिड़के, घर दे काम कौन करेगा? हाय अब भी हमारा मन वो तो बेचारा समस्या हल करता रहेगा, बड़ी भारी समस्या, घर के बाकी काम कौन होंगे, खेत के काम कौन करेगा, भजन लाल का चाचा जाएगा वहां, उस कमी को कौन पूरा करेगा? कभी माँ गालियां दे रही है, कभी बाप गाली दे रही है, कभी वो गुत पकड़ रही है, कभी वो करे तो क्या बाकी काम? एक तरफ दुनिया में सुख है, दूसरी तरफ दुख भी तो है ना, पूर्ण रूप सुख इस दुनिया में मिलना जो ना हुआ। अगर बच्चे पढ़ने लगे हैं तो घर गलने लगे हैं, बच्चियां बाहर मुखी होती जा रही है, पुत्र हाल चलाते ही नहीं पाए, बच्चे नहीं कभी चाल चलाएंगे, ये बनेगा की? फजल लालू सोचन दो, पर इधर देखिए ना, हमें आप ज्ञान मिल जाए, भगवान की कृपा से हमारे अंदर ज्ञान बैठ जाए, जैसे प्रभु हमें पूरा स्वर्ण अवसर दे रही है, हाँ तो फिर क्या होगा हमारे अंदर? आहा प्रभु चिंतन होगा, प्रभु की भक्ति होगी, हाँ तो संसार अब कौन रिड़के, अब संसार को हम रिड़केंगे तो नहीं, छुट्टी है रे, संसार अब कौन रिड़के, अब क्यों रिड़केंगे? जब मन हमारा एक तरफ लग गया, फिर एक तरफ लगने के बाद बड़ी जल्दी तलीन हो जाता है आदमी, कलयुग में भगवान जी ज्यादा तरसाते भी नहीं, मेरा तजुर्बा ले लो, ज्यादा नहीं तरसाते मेरे प्रभु, जब देखते हैं कि इनका मन पूर्ण पेन लगता जा रहा है, इधर से हटता जा रहा है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है, बहुत जल्दी। खुद भगवान ने कहा रैम उसकी हालत पे हाय, कभी कभी बोल लिया कर जब मन निराश में जाए, ये भगवान के शब्द है, रैम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, घर उनके दिल में बनाता हूं। जो कुछ मैंने आज कहा घर में जाके विचार कर लेना, ये सारी वृत्तियां तब जाएंगी जब भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा, और भगवान का चिंतन के सिवा चिंतन क्या करे, बस इतनी बात कह के छुट्टी दे रहा हूं, भगवान के चिंतन के सिवा चिंतन किसका करे, कुछ चिंतन करने योग भी तो नहीं, कोई चिंतन करने योग नहीं, मेरी मेरी मैया मेरी बेटी मेरे बुजुर्ग मेरे भैया, और कोई चिंतन करे क्या चिंतन करे, चीजें जन्म ले रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, मरती जा रही हैं, हमें तृप्ति देती नहीं है, और जब हम इनके इनको लेती हैं, इनमें तब्दीली आती है, हमें गवारा नहीं होती, जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वो भी गवा बैठती है। कैसा विचित्र संसार बनाया रब ने, और बना के खुद कह दिया ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। इसे भगवान चाहते ये थे कि हम व्यवहार करें हाँ, और प्यार रब के साथ करें, भक्ति रब की करें, चिंतन रब का करें, इधर व्यवहार करें, हाय करता है कितना गजब का पाठ, तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे, ये भगवान का ये पाठ है, एक हाथ मैंने यूं रखा, एक हाथ मैंने आकाश की ओर दिया,
कहां व्यवहार इधर होना चाहिए, याद उनकी होनी चाहिए जो पंद्रहवें अध्याय में कह रहा है संसार एक वृक्ष है, जड़े जिसकी ऊपर तले डाल दिया, याद उसकी कर लो। ये याद करने योग नहीं, ये व्यवहार करने योग है। मदद करो, ये आपकी मदद करेंगे, एक दूसरे के काम आ जाओ मेरी बेटी, हाँ ये आपके काम आ जाएंगे, हाँ। लेकिन इनको मन में ना बसाओ, इनका चिंतन ना करो, इनको याद करके रोया ना करो। कमली वो आपकी जाति बहुत कमली हो गई, कोई ज्ञान की पुड़ी दी अपनी सहेली को, धक्के खाते फिरती है यहाँ ता वहां, दे ज्ञान की पुड़ी कि क्या तू कर रही है, क्यों अपने आप को बर्बाद करना चाहती है, क्यों अपनी जवानी को टके टके पंजी पंजी बेच रही है, पंजी पंजी अपनी जवानी को बेचा जा रहा है, अर्थात तबाह किया जा रहा है। संभलो ओ नेक जीवो, संभलो, आपको गीता संभाल रही है, आपको भगवान का ज्ञान जगा रहा है, बता रहा है, और इस मार्ग पे चला रहा नहीं भगा रहा। कदर करो भगवान के ज्ञान की, कदर कर मेरी बेटी प्रभु के उच्च कोटि के ज्ञान की, ऐसे गूढ़े रंग में रंग जाओ कि हम भगवान के योग्य बन जाए। काली मृत्यु की दाल गलेगी नहीं, काली मृत्यु हमारे अंदर फड़फड़ा सकती नहीं। जब ये विचार आ गए, वाह वाह, खुद भगवान कह रही है, क्या दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे, इतना वचन भगवान ने दसवें अध्याय में दे दिया। मैं उन्हें चोटी का ज्ञान देके उनके अज्ञान के अंधेरे को हमेशा के लिए रफू चक्कर कर देता हूं, भगा देता हूं। भगवान के इन वचनों का लाभ उठाओ, उठा मेरी बेटी, मेरी शुभ भावना है आपके साथ, भगवान का ज्ञान और भगवान की दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ, भगवान करे बनी रहे, ये हमेशा हमारा साथ देती रहे। मौज बहार, आहा कितनी मौज बहार, कितनी मौज बहार। आओ मन को समझा दो, आओ मन को समझाओ, और चिंतन यही बार बार आज रात को सोने से पहले, और चिंतन किसका करें, हम उसका चिंता करने को तो हमें तृप्ति मिल जाए, नहीं मिलेगी तृप्ति, उसका चिंता करने का किसी और का चिंतन करना पड़ेगा, फिर किसी चीज तृप्ति कहीं से मिले नहीं, तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के, फिर तुम कहीं के नहीं रहे। ऐसा समझाओ जैसे हमने गीता के ज्ञान से अपने आप को समझाया, आप भी इस तरह अपने आप को समझा लो। बस इसलिए कहा जाता है ना सुख वित्त ग्रस्त दे, कितना अच्छा सिद्धांत, ना घर छोड़ गया, सुख है वित्त विचार दे, गीता ज्ञान लिया, गीता ज्ञान लेने से सुख है वित्त विचार दे, विचार में सुख है। आओ जरा मन को समझाते हुए चले, बड़े प्रेम पूर्वक दो चार पांच मिनट के लिए मेरे साथ कीर्तन कर लो, ताकि जो कुछ मैंने अभी अभी कहा है जरा और पक्का हो जाए, उसकी और मैं ज्ञान के दुर्मट से कुटाई करूं, क्योंकि हमारे जीवन की मैल इसी पर खड़ा होना है। हाँ आओ बड़े प्रेम पूर्वक बड़ी श्रद्धा के साथ पूरी रुचि लेकर मेरे साथ कीर्तन करो, सिर्फ इन्हीं भावों को पक्का करने के लिए। आइए जरा हर कंठ से ये अमर ध्वनि निकले, ताकि जैसा बोलेंगे जैसा विचार करेंगे उसी वही हमारे अंदर भी बैठ जाएगा। आओ महापुरुष क्या कह गए उनका अनुभव आपको याद कराऊं इस कीर्तन के द्वारा। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्ग मेरे साथ शामिल, बड़े प्रेम पूर्वक, हे ओ नाम जप ले मन मेरे के, अब तो नाम जप ले, अजी नाम जप ले, ओ नाम जप ले मन मेरे के, अब तो नाम जप ले, बड़े प्रेम से हर कंठ से ये ध्वनि निकले, ओ नाम जप ले, नाम जप ले मन मेरे के, अब तो नाम जप ले। क्या होगा नाम जपने से, धुल जाएंगे इस तरह पाप तेरे, धुल जाए हाय हाय,
धुल जाएंगे ओ धुल जाएंगे इस तरह पाप तेरे धुल जाएंगे। बड़े प्रेम से आदर शामिल हो जाओ, अजी नाम जप ले ओ नाम जप ले मन मेरे कि अब तो नाम जप ले। क्यों मनुआ जपेगा? जरूर जरूर कहना मानूंगा, इसी मेरा कल्याण है। सत राजा हरे कृष्णा 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 हरे हरे आय हाय। अजी हरे कृष्णा 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 हरे हरे जाओ। भाई नाम जप ले ओ नाम जप ले मन मेरे के अब तो नाम जप ले। जी हाँ धुल जाएंगे ओ धुल जाएंगे इस तरह पाप तेरे धुल जाएंगे धुल जाएंगे। आ नाम जप ले मन मेरे के अब तो नाम जप ले। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
कृष्ण सने संतु सने भद्रान पश्यंतु माता जी दुर्भा बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इसने हार्दिक धन्यवाद।